हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिस क्रिया के अंदर कर्म नहीं होता और जो क्रिया है मतलब जो काम है उसका प्रभाव सीधा कर्ता यानी कि करने वाले के ऊपर पड़ता है। ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं है और जो करता है उसके ऊपर असर पड़ रहा है उन्हीं क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया और देखते हैं उसके कुछ उदाहरणों को। क्रिया, अकर्मक क्रिया जो अभी हम यहां पढ़ेंगे, अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता, और उनका प्रभाव केवल कर्ता के ऊपर पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम दौड़ता है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। राधा नाचती है। मोहन रोता है। घोड़ा भागता है, राधा नाचती है, मोहन रोता है, घोड़ा भागता है। इन सभी वाक्यों में जो क्रिया है दौड़ता, नाचती, रोता और भागता, ये जो है सभी क्रिया इनका सब सीधा इन पर यानी कर्ता पर राम, राधा, मोहन और घोड़ा के ऊपर हो रहा है। इनमें कर्म नहीं है इसलिए क्रियाएं जो है अकर्मक क्रियाएं हैं। अब हम यहां लिखते हैं उपरोक्त वाक्यों में दौड़ा है, नाचती है, रोता है, भागता है ना। उपरोक्त जो वाक्य में लिखे में दौड़ता है, नाचती है, रोता है, भागता है, इन सभी वाक्यों में जो है कर्म नहीं है। कर्म नहीं है और क्रियाओं का फल और जिसमें क्रिया हो रही है उनका फल और क्रिया का फल सीधा कर्ता यानी राम, राधा, मोहन और घोड़ा अर्थात राम, राधा, मोहन और घोड़ा
के ऊपर पड़ रहा है, पड़ रहा है, इसलिए इसलिए ये राम दौड़ता है, राधा नाचती है, मोहन रोता है, घोड़ा भागता है, जिन वाक्यों में है ना, अगर हम क्या के साथ जो प्रश्न बनाए, जैसे एक बोला राम दौड़ता है, प्रश्न था क्या दौड़ता है, तो हमारे पास आंसर है, तो जिन वाक्यों में क्या शब्द लगाकर प्रश्न बनाने के बाद आंसर यानी उत्तर उनका नहीं मिलता, उन सभी वाक्यों को जो हम अकर्मक क्रिया कहते हुए, सभी वाक्य अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि राधा नाचती है, क्या नाचती है, पता नहीं क्या नाचती है। मोहन रोता है, क्या रोता है, नहीं पता क्या रोता है। घोड़ा भागता है, नहीं पता क्या भागता है। तो जिनके साथ क्या लगाने पर आंसर नहीं मिलता, उन क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो उम्मीद है ये अकर्मक क्रिया आपको पढ़ने में बहुत मजा आया होगा, बहुत रोचक लगा होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, इसी तरह देखते रहिए ज्ञान अभियान, हमेशा खुश रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।